नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 फरवरी शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के गांव खुइया में खेत में बने डिग्गी में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार खुइया गाँव निवासी 30 वर्षीय मालाराम गाँव के पास अपने खेत में परिवार के सदस्यों के साथ कृषि कार्य कर रहा था। खेत में मालाराम की पत्नी और उसकी मां नर्मदा देवी भी मौजूद थी। खेत में बनी पानी की डिग्गी में मालाराम पानी का पाइप जोड़ रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह डिग्गी में गिर गया। अचानक बेटे को डिग्गी में गिरता देख पास में ही कृषि कार्य कर रही उसकी 65 वर्षीय मां नर्मदा देवी अपने बेटे को बचाने के लिए डिग्गी में उतर गई। दोनों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर खुइया पुलिस पहुंची और संपूर्ण घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इस संबंध में मर्ग दर्ज की है। अजमेर जिले में 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को जुडिशियल कस्टडी पूरी होने पर एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। इसके बाद न्यायाधीश ने दिव्या मित्तल की जुडिशियल कस्टडी 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी। मामले में बचाव पक्ष के वकील द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की बात कही गई है। रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि उनके द्वारा कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब इस मामले में जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगाएंगे। कोटा जिले में रिश्वत मांगने के करीब 11 महीने पुराने मामले में कोटा देहात एसीबी की टीम ने फरार चल रहे झालावाड़ के मनोहर थाना पंचायत समिति के तकनीकी सहायक धर्मेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने घूसखोर तकनीकी सहायक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी थी। हाल ही में झालावाड़ कलेक्टर ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की थी। परिवादी की शिकायत के सत्यापन के बाद झालावाड़ एसीबी की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र शर्मा व उसके दलाल करण सिंह को ट्रैप किया। तकनीकी सहायक धर्मेंद्र चौधरी मौके से फरार हो गया था। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला को शादी का झांसा देकर शख्स ने न केवल रेप किया बल्कि नौकरानी बनाकर उससे घर का काम भी करवाया। पीड़िता को जब पता चला कि प्रेमी शादीशुदा है तो झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी की मां और पत्नी ने भी उसे प्रताड़ित किया। उद्योग विहार थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने बताया कि साल 2016 में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। काम के सिलसिले में अक्सर गुरुग्राम आती रहती थी। 2018 में उसकी मुलाकात फरीदाबाद निवासी रवि से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन आरोपी रवि उसे फ्लैट में ले गया, जहां उसका रेप किया। विरोध करने पर शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। कई दिन इंतजार करने के बाद पीड़िता आरोपी रवि के फरीदाबाद स्थित घर पहुंची तो पता चला कि रवि पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर क्षेत्र के एक और व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती की मांग की गई है। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद व्यापारी व उसका परिवार भयभीत है। व्यापारी ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एएसपी नीलम चौधरी को परिवाद सौंपा। पारुल गोयल निवासी वार्ड 1 गांव डबली रठान ने बताया कि वह पेशे से व्यापारी है। उसकी अनाज मंडी में मैसर्स देशराज सतीश कुमार के नाम से आड़त की दुकान है। उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आई, जिसने बोला कि वह ऋतिक बॉक्सर बोल रहा है, 50-60 लाख रुपए दें, नहीं तो आपको वे आपके परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद गुरुवार को दोबारा कॉल आई, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई तो वॉइस रिकॉर्डिंग आई, इसमें भी उससे 50-60 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बी टाउन के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे काफी समय से हो रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा अडवाणी अब 7 फेरों में बंधने की तैयारी कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक दोनों की डेस्टिनेशन वेडिंग धोरों की धरती जैसलमेर में होगी। करीबी मित्रों और सगे संबंधियों के बीच दोनों 5 सितारा होटल सूर्यगढ़ में 7 फेरे लेंगे। होटल बेहद खूबसूरत है। शादी की बात को
खुद सूर्यगढ़ पैलेस ने कन्फर्म कर दिया है। बता दें कि वीरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें सिद्धार्थ कियारा की शादी की डिटेल दी गई थी। इस पर पेपराजी ने बताया कि वह सिद्धार्थ और कियारा की शादी को कवर करने जैसलमेर जा रहे हैं। इस पर सूर्यगढ़ पैलेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से कमेंट किया कि जल्दी मिलते हैं। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स में अप्रैल में नया सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इन स्कूल्स में शिक्षा का अधिकार RTE कानून के तहत प्री प्राइमरी एडमिशन के लिए अब विज्ञप्ति जारी की है। सेशन की शुरुआत में प्री प्राइमरी क्लासेस के बजाय सीधे कक्षा एक में एडमिशन दिया गया था, लेकिन सेशन 2022-23 के लिए प्री प्राइमरी एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। ऐसे में महज 2-3 महीने के लिए ये एडमिशन हो रहे हैं। हालांकि नए सत्र से पहले अभिभावकों को अवसर मिल गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि एडमिशन के लिए अभिभावकों को प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी ऐप पर आवेदन फॉर्म है जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आवेदन के बाद लॉटरी निकाली जाएगी और इसी लॉटरी के आधार पर प्राइवेट स्कूल की 25% सीट्स पर एडमिशन तय हो सकेगा। नागौर की कुचेरा थाना पुलिस ने रूण गांव के मरुधरा बैंक लूट मामले का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को बपर्दा गिरफ्तार कर लिया है। SP राममूर्ति जोशी ने बताया कि लूट के मामले में जोधपुर के बिलाड़ा के पास नायकों की ढाणी के रहने वाले 20 साल के दिनेश और उसके सगे बड़े भाई 22 साल के प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक में घुस पिस्तौल की नोक पर 93,930 रुपए की लूट की थी। मामले के अनुसार 29 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन बैंक मैनेजर सरफराज की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी। आरोपियों ने अब तक अजमेर और जोधपुर संभाग में 12 से अधिक लूट की वारदात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी है। भरतपुर जिले के कच्चा परकोटा पर बसे करीब 2000 मकानों को बड़ी राहत मिली है। स्वायत्त शासन विभाग ने अब 140 के बजाय 80 फुट CFCD को छोड़कर पट्टे देने का निर्णय लिया है। इससे बॉर्डर लाइन पर बने करीब 700 मकान मालिकों को राहत मिली है। ज्ञात रहे कि 13 जनवरी को तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के प्रयासों से जयपुर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी, जिसमें कच्चे परकोटा वासियों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A के तहत पट्टे देने का निर्णय लिया गया, किंतु इसमें CFCD की चौड़ाई को लेकर भ्रम था। प्रारंभ में इसकी चौड़ाई 140 फीट मानकर पट्टे देने की बात सामने आई थी, लेकिन अब स्वायत्त शासन विभाग ने बैठक कार्रवाई विवरण में साफ कर दिया है, जिसमें CFCD की चौड़ाई 80 फीट मानकर पट्टे जारी करना तय किया गया है। इसमें CFCD के मध्य मार्गाधिकार अलाइनमेंट से दोनों ओर 40-40 फीट यानी कुल 80 फीट चौड़ाई मानी जाएगी। संभावना है कि अगले सप्ताह से पट्टे के आवेदन लिए जा सकते हैं।